सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे अपडेट सबसे पहले मिले। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अब ये सवाल नहीं पूछो ना मुझे, अगर कोई पूछ रहे तो मुझे हंसे छूट रहे, तो ऑब्वियसली मैं अगर आपको ये सबसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो आप लोगों को भी लग रहा होगा यार कैसे हो सकता है घर में लॉट। बट ठीक है, वी ऑल आर लाइक वेरी लकी कि हम सबके पास एक घर है रहने के लिए जहाँ पे हम लोग अपने घर वालों के साथ है एंड वी आर हैप्पी एंड रियली होप कि यार आप सारे कोई सेफ है घर पे। सो मैं जो पिछले आप जो ब्लॉग देखे थे मैंने वहाँ पे कहा था कि मैं बहुत काम कर रही हूँ एज इन मैं अपना कबर्ड सजा रही हूँ, मैं अपना ड्रेसिंग थोड़ा बहुत जितना कर सकूँ उतना कुछ कर रही हूँ। सो एंड हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाया था कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है अपना कबर्ड। सो टुडेज ब्लॉग इज ऑल अबाउट माई क्लोजेट जो कि अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आपको सब कुछ दिखाऊं, बट हाँ ये वाला जो सेक्शन है मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। यहाँ के बेड के नीचे भी कुछ कुछ है जो कि बहुत महसूस होकर पड़ा है, वो अभी तक मैंने नहीं किया है, और कुछ कुछ मम्मी पापा के रूम में भी है, बट जो मेरे रूम में है वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। सो यू गाइस आर एक्साइटेड टू सी माय क्लोजेट? एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जब ऊपर वाला आप सेक्शन देख रहे हैं इसमें मैंने अपने सारे जैकेट्स वगैरह रखे जो कि मैं समर्स में यूज नहीं कर पाऊंगी, आई नो, बट विंटर्स के लिए अभी मैं ये सब कुछ यूज कर रही थी। आई हैव गॉट लाइक मुझे बहुत पसंद है जैकेट्स, मेरे पास बहुत से कलेक्शन है जैकेट्स के, कुछ कुछ तो मैं ऐसे पैक करके उसमें अच्छे से ड्राई वॉश वगैरह करके रख चुकी हूँ क्योंकि अभी तक ही तो शायद नवंबर से पहले उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आप मेरे एक ब्लॉग में देख चुके हैं, आई हैव यूज दिस जैकेट, आई लव इट, इतना फरी फरी है और इतना कम्फी है ये, आपको एटलीस्ट भुवनेश्वर में जो ठंड है इसके लिए तो जो परफेक्ट है, बेस्ट वन। एंड उसके बाद मुझे डेनिम के जैकेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मेरे पास बहुत से रेंज के आपको डेनिम जैकेट मिलेंगे। इतना भी सजा के देखो, ये छोटा सा मतलब शॉर्ट जैकेट है डेनिम का, ये आप किसी भी वन पीस के ऊपर भी उसको टॉपिंग मतलब ऐसे ही मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। मेरे पास डेनिम के कम से कम 5-6 कलेक्शंस तो आपको आराम से ही मिलेंगे। सो ये मैं किसी भी वन पीस के ऊपर हो गया, किसी भी टॉप के शॉर्ट क्रॉप टॉप के ऊपर हो गया, या फिर जीन्स के ऊपर कुछ भी पहन कर इसको पहन लो एंड बहुत स्मार्ट लुक देता है। एंड ये सब तो बेसिक जैकेट है, दिस फ्रॉम वेरोमोडा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वेरोमोडा एंड या आई लव दिस वन ऑल्सो, दिस इज अ वेरी गुड जैकेट, ये मैंने कैजो से लिया था एंड उसके साथ ये भी दिस आई गॉट फ्रॉम H&M। तो ये जो प्रॉपर सेट करके मैं एक शायद मैं किसी ब्लॉग में पहन भी चुकी हूँ, आई डोंट रिमेंबर, बट इफ यू गाइस आर फॉलोइंग मी इन इंस्टा तो आप लोगों ने पक्का देखा होगा ये जैकेट। आई लव दिस वन, ये थोड़ा बहुत कॉस्टली था बट या मैं ये पिछले 2 साल से शायद यूज कर रही हूँ, सो इफ यू आर यूजिंग द सेम जैकेट फॉर लाइक 3-4 ईयर्स तो पैसा वसूल हो जाता है। एंड जैकेट्स मैंने जैसे कि कहा था मैं बहुत कुछ आराम से साफ वाफ करके रख चुकी हूँ अंदर, तो अभी आते हैं कुछ टॉप्स के ऊपर। टॉप्स ही मेरा बेसिक नॉर्मल टॉप्स है, जो भी मैं कुछ भी कहीं पे जाना हो दोस्तों के साथ या फिर ऐसे थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाना है, अभी तो लॉकडाउन के टाइम में ऑब्वियसली कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ, पर थोड़ा बहुत ब्लॉग्स करना शूट करना पड़ रहा है मुझे, तो उसके बाद कोई भी चैनल्स में इंटरव्यू देना हो या फिर ऐसा कुछ हो तो मेरे पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप सबको पता है मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास पेशेंस नाम का चीज़ ही नहीं है। तो मैं एक टॉप निकाल देती हूँ और उसके साथ कोई भी एक जींस पहन लेती हूँ एंड आई एम ऑल सेट टू गो लाइव। तो ये हो गया टॉप सेक्शन एंड ये हो गया जैकेट सेक्शन। यहाँ पे भी बहुत से कपड़े हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे भी डेनिम के कुछ है, यहाँ पे भी एक ये जैकेट मैंने ऐसे ही लिया था, कहाँ से लिया था आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे जितना याद है शायद मैंने मुंबई के फैशन स्ट्रीट से लिया था, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था बट मैं अभी तक एक बार भी नहीं पहनी हूँ इसको, आप जैसे देख सकते हैं टैग है इसमें। एंड यहाँ पे और एक जैकेट भी है,
या डेनिम वन, बट ये ना स्लीव नहीं है इसमें, वेरी नाइस। तो ये ऊपर जितना भी आप देख रहे हो उतना टॉप टॉप ही है, टॉप्स और कुछ कुर्तीज भी है। एंड यहाँ पे कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पे आपको सारे मेरे मैक्सी ड्रेस या फिर जो ड्रेस मैं नॉर्मली पहनकर मैं गो टू ड्रेसेस होते, आपके पास कितना भी ड्रेसेस हो, कितने भी जीन्स हो, पर सारे लड़कियों का, मुझे नहीं पता सारे लड़कियों का, बट मैंने सुना है जितना मेरे दोस्तों का, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने आई एंड अप वेयरिंग द सेम क्लॉथ अगेन एंड अगेन। और मेरे मुझे पेशेंस में मतलब इतना नहीं होता है कि जाकर एक नया पहनो, उसके साथ कुछ मैचिंग शूज वगैरह निकालो, कुछ एक्सेसरीज निकालो, उसको पहन के जाओ। सो मैं यही सब कुछ रिपीट करती रहती हूँ। एंड दिस आई लव द मोस्ट, ये ड्रेस मैंने इंस्टा में किसी साइट से लिया था, आई रियली लव इट। ये ना एकदम प्रॉपर फ्लो आता है, आप देख सकते हो पूरा एकदम अच्छे से फ्लो आएगा इसमें। एंड इसका जो बैक डिजाइन है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो आई लव इट। ये कलर भी बहुत पसंद है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो सारे मैक्सी ड्रेसेस, ये भी एक ड्रेस है, ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। आप टीवी में या फिर कैमरा के सामने जब भी पहनोगे तो प्रॉपर वो खिल के दिखेगा आपको वो कलर। एंड या देख रहे हैं आप ड्रेसेस, ये भी मैंने कभी लिया था कैजो से, शायद अभी तक मैंने पहना नहीं है, शायद मैं आपको दिखा चुकी हूँ किसी एक ब्लॉग में। यस, अभी तो मन कर रहा है कि एक एक ड्रेस रोज पहनूं और रोज तैयार होके बैठूं, ताकि ये सब फील हो कि यार कुछ तो कर रही हूँ भाई, कुछ तो कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरे ड्रेसेस। अभी कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पे भी आपको मेरे सारे से मेरे अब मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरे सारे नए नए ड्रेसेस है, और यहाँ से यहाँ तक सारे घर मतलब घर पे मैं जो ड्रेसेस पहनती हूँ वो सब कुछ है। ये मैंने शीन से लिया था, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस ड्रेस, बट अभी तक मौका ही नहीं मिला है मुझे पहनने के लिए। और एक आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ये मैं मुझे लगा था कि मैं समर्स में पहनूंगी, पर अभी तो समर्स में हम लोग लॉकडाउन है तो आई डोंट थिंक सो इसका कोई काम आएगा इस बार। सो या आई गॉट दिस फ्रॉम लाइन से गया था, मुझे सच में याद नहीं, ब्लू एंड स्काई मुझे याद नहीं आ रहा, बट यस वेरी नाइस ड्रेस। एंड दिस मेटेरियल इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, और कुछ सेल में लगा था, सो आई गॉट दिस फॉर ओनली रुपीज 700 या फिर 750। एंड आई गॉट अ ब्यूटिफुल स्कर्ट, ब्यूटिफुल स्कर्ट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दैट ब्रांड, कहाँ से लिया था मैंने यार मुझे याद भी नहीं आ रहा। लुलू एंड स्काई आई गेस, यस दिस क्यूट स्कर्ट, अभी सब कुछ क्यूट क्यूट ही आप अपने कबोर्ड में रखो और देख लो, खुश हो जाओ, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी कैन डू। एंड मैंने और एक ड्रेस भी लिया था, वो भी मैंने नहीं पहने अभी तक, दिस इज फ्रॉम दैट सेम ब्रांड लुलू एंड स्काई। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं ना रोज एक दिन में 3-4 कपड़े पहन के निकल जाऊंगी, ताकि ऐसा फील हो कि हाँ मैंने कुछ कपड़े अपने यूज किए हैं। उसको ट्राई कर चुकी हूँ पर मैं अभी तक इसको यूज नहीं की हूँ। और एक ऐसे ही हो गया शीन का, ये दिस इज ए ब्लेजर काइंड ऑफ थिंग, ब्लेजर एंड पैंट, क्योंकि फ्लोरल ही था, मुझे लगा था मैं समर में कहीं पे यूज करूंगी, बट दिस इज द पैंट एंड दिस इज द ब्लेजर, समर ब्लेजर। और ये सब हो गए मेरे ड्रेसेस, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक ब्लॉग में। और ये आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल जैकेट, यस दिस इज अ वेरी नाइस, दिस इज फ्रॉम वेरोमोडा ओनली। वेरोमोडा का कभी कभी ऐसा कलेक्शन आता है ना जो कि लिमिटेड स्टॉक ही होता है, बस उसी साल आता है और नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मिलेगा। एंड ये 2-3 साल पहले मैंने लिया था, दिस इज अ वेरी नाइस, मतलब पहनने के बाद इतना रिच लुक देता है,
मुझे बहुत पसंद आया था। मैं एक ही बार पहनी हूँ, बहुत मतलब 2-3 साल तो हो गए इसको मैं ढूंढ लेते हुए। ये भी थोड़ा बहुत कॉस्टली था, 5,000-6,000 ऐसा कुछ था, बट दिया ठीक था। तो ये सेक्शन तो कुछ हो गया। अभी यहाँ ये भी मेरे कुछ बेसिक टॉप्स है जो कि आप देख रहे हैं। मैं रिहर्सल हो गया मेरा, कुछ काम हो गया थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा मैं पहन के चली जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे जीन्स हैं जो कि मैं रेगुलरली पहनती रहती हूँ, दिस साइड, ये सब मेरे जीन्स ही है। और कुछ पैंट्स वगैरह भी है, जैसे कि ये पैंट्स वगैरह, दिस इज वेरी नाइस पैंट, आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन। मैंने अभी तक इसको पहना ही नहीं, कहाँ गया भाई। बट टाइम ही नहीं मिला है मुझे पहनने के लिए, और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ खरीद कर कि मैंने कुछ खरीदा बाद में रखा मुझे। और यहाँ पे ऐसे कुछ पैंट्स हो गए, ये भी पैंट हो गया, और यहाँ पे कुछ मेरे स्कर्ट्स हो गए, कुछ बेसिक टॉप्स जैसे कि कुछ फैंसी टॉप्स हो गए। और यहाँ पे मेरे मैक्सी ड्रेसेस है, कुछ नॉर्मल समर्स के लिए मैंने लिए थे जो कि मैंने अभी तक पहने नहीं है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वेरो मोडा, या ये कलर तो अभी मैं विंटर्स में पहनूंगी। लोगों को क्या करोना को क्या लगा ये सारे कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं पहनूंगी पर विंटर्स में, समर के कपड़े मैं विंटर में पहनूंगी एक बार। एंड ये भी ड्रेस है, दिस इज ऑल्सो दिस समर, ये मैंने लैकमे क्वार्टर से लिया था, येलो समर्स के लिए तो येलो इज द बेस्ट। और यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस है, यहाँ पे मैंने ना वो बीच में से कुछ स्टाइल आया था, लाइक वेयरिंग ए स्कर्ट एंड वेयरिंग ए टॉप ऑफ सेम मटेरियल सेम कलर, दिस इज द स्कर्ट एंड दिस इज द क्रॉप टॉप। वैसे मेरे पास 4-5 हैं जो कि मैं एक दो यूज़ की हूँ और कुछ कुछ यूज़ नहीं किया है मैंने, जिसी का देख सकते हैं ये साइड में जो भी है मैंने यूज़ नहीं किया है इसको अभी तक। और यहाँ पे और भी कुछ कुछ ड्रेसेस हैं, जैसे कि ये ड्रेस हो गया, इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस पर मैंने इसको भी शायद यूज़ नहीं किया है, ये कहाँ से आ गया। This is also from Vero Moda. और यही ड्रेसेस हो गए। यहाँ पे कुछ मेरे जंपसूट जैसे कि आप ये देख रहे हो, दिस इज अ पोलका डॉट जंपसूट। ये देख सकते हैं आप यहाँ से इसको नॉट कर सकते हैं पहनने के बाद, यहाँ पे नॉट। और आई विल रादर सजेस्ट यू कि आप नीचे एक शॉर्ट्स पहन लें, और एक क्योंकि दिस इज ना बिट, यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा होगा कैमरा पे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो आपको नीचे एक शॉर्ट्स या फिर ऐसा कुछ पहनकर ही पहनना पड़ेगा ये जंपसूट को, इसलिए शायद मैं उसको नहीं पहनी हूँ अभी तक। और एक जंपसूट तो मेरे पास बहुत है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस जंपसूट। तो ये सेक्शन हो गया। ये ना ये कलर बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही ज्यादा, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ड्रेस। यहाँ पे आपको ऐसे टाई करना पड़ेगा यहाँ पे, पर ये आप थोड़ा सा बिट नॉर्मल आयरन करके पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देता है। मेरे पास इसमें ये मैंने अभी तक नहीं यूज किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टैग है, पर मैंने ऐसे सेम पैटर्न में 2-3 ड्रेसेस मैंने यूज किए हैं एंड बहुत अच्छा लुक देता है आपको इसमें। मैंने मेरे पास एक ग्रीन भी था, पता नहीं अभी कहाँ नहीं दिख रहा है मुझे,
एंड जो नीचे वाला जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, इसमें मैंने अपने ऐसे ऐसे कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट्स रखे जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है, और बाकी के सारे मेरे ट्रेडिशनल आउटफिट जो मैं पहन चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैं उसको पहनने वाली हूँ नहीं, वो मैं दीदी के रूम में एक छोटा सा मेरा कबर्ड है मैंने वहां पे रख दिया है, जो कि आप प्लीज फॉलो कीजिए मुझे इंस्टा पे ताकि आप वो सब देख सकते हैं। और मेरे कुछ मैक्सी ड्रेसेस हो गए, जैसे कि ये हो गया, ये भी शायद दिस इज आल्सो फ्रॉम बेरोमोडा। बापरे मेरे बेरोमोडा के ब्रांड नाम से ट्रू क्या, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था मैं कवर स्टोरी की हूँ कि बेरोमोडा बेरोमोडा इतना क्या आ रहा है क्या। ये ड्रेस कितना सही लगता है, इतना सही लगता है पहनने के बाद, मुझे ऐसा लगा था कि ये मैं इसे नॉर्मली कहीं पे पहन के जाऊंगी, बट जिस दिन मैं इसे घर पे पहन के ट्राई कर रही थी मुझे लगा कि भाई ये तो भाई पार्टी ड्रेस है, ये मैं इसे नॉर्मल पहन कर नहीं जा सकती। सो या ये हो गया, एंड ये बेसिक 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 ड्रेसेस कुछ है, ये भी दिस इज आल्सो वेरी गुड ड्रेस दिखाती हूँ, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरे किसी इंस्टा पोस्ट में, दिस इज अ वेरी क्यूट ट्यूब ड्रेस। यप, सो आई गेस कि आप लोग जो मुझे बहुत पहले से बोल रहे थे कि अपना क्लोजेट दिखाओ, मैं आज जो आपको दिखा चुकी हूँ अपना क्लोजेट, आपको देख के लग रहा होगा कि आप पूनम ने हमारी रिक्वेस्ट रखी और पूनम ने आज ये ब्लॉग बनाया। सो अभी जो क्वारंटाइन चल रहा है, मैं घर पे लॉक्ड हूँ, आप सारे कोई लॉक्ड है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा अच्छा वीडियोस आपके लिए बनाऊ, आपके लिए पोस्ट करूँ। तो नेक्स्ट मेरा जो ब्लॉग होगा आई गेस वो बैग्स के ऊपर होगा या फिर कुछ कॉफी, मैंने दाल को ना कॉफी में 2-3 बार बना चुकी हूँ, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। तो या अभी कुछ अच्छा ब्लॉग्स बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको मेरा ये क्लोजेट कैसा लगा, एंड डू लेट मी नो कि आप आगे और क्या 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 देखना चाहते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल व्हिच इज पूनम मिश्रा ऑफिशियल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।